हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली धमाकेदार एक्शन से भरपूर फिल्म बागी 3 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 4400 स्क्रीन्स पर इंडिया में रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों, ओवरसीज में इस फिल्म को लगभग 1100 स्क्रीन्स मिली। इस तरह से ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 5500 स्क्रीन्स पर लगने वाली सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी फिल्म बनी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो अपने पहले ही दिन काफी धमाकेदार रेस्पॉन्स मिला। लगभग 17 करोड़ 50 लाख रुपए की शानदार कमाई करने के साथ इस फिल्म ने 2020 के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें दोस्तों ये फिल्म तानाजी को बीट करते हुए 2020 की सबसे बड़ी ओपनर बनी। दोस्तों बताते चले आपको कि तानाजी के रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई थी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम लोग फिल्म बागी 3 की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकिता लोखंडे की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अपने पहले ही दिन से काफी धमाकेदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। अपने पहले दिन 17 करोड़ रुपए की कमाई करने के बाद इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 16 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए। वहीं अपने तीसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और कई सारी बड़ी फिल्मों को पीछे करते हुए कमाए लगभग 20 करोड़ 30 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का जो 3 दिनों का वीकेंड कलेक्शन था वो हो चुका था 53 करोड़ 83 लाख रुपए का, और ये फिल्म 2020 की तानाजी के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी थी। अब बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के वीकडेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंडे को वर्किंग डे होता है और वर्किंग डे वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर फिल्में कम ही कमाई करती है, लेकिन वहां पर भी दोस्तों बागी 3 ने अपने चौथे दिन लगभग 9 करोड़ 6 लाख रुपए कमाए और इसी से यह साबित कर दिया कि सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ का स्टारडम इंडियन ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा है। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने 5वें दिन यानी कि होली वाले दिन एक बार फिर से काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और कमाई लगभग 14 करोड़ 5 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों यह फिल्म होली पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बनी। इससे आगे सिर्फ केसरी और बद्रीनाथ की दुल्हनिया ही फिल्म थी। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का जो 5 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो लगभग 76 करोड़ रुपए का हो चुका था। अब बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के यहाँ पर 6वें दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो बताते चले दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने 6वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 4वें दिन की ही तरह ट्रेंड किया। मॉर्निंग में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 22 से 25% की ऑक्यूपेंसी पर ओपन हुई। बाद में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और यही वजह रही कि यह फिल्म अपने 6वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने में सफल रही। इस तरह से इस फिल्म का जो 6 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था लगभग 84 करोड़ 74 लाख रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि इसी के साथ ये फिल्म एबीसीडी 2, बागी और कई सारी बड़ी फिल्मों को पीछे कर चुकी थी और टाइगर श्रॉफ के कैरियर की तीसरी बड़ी फिल्म बन चुकी थी। अब बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज भी इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो काफी शानदार रही। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज मॉर्निंग में 15 से 18% की ही ऑक्यूपेंसी हासिल हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों अपने 7वें दिन की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से इस फिल्म की आज की ओपनिंग काफी शानदार है। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो दिखा रही है 35 से 40% की। यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने 7वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा लगभग 92 करोड़ रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक में ही एक क्लीन हिट फिल्म साबित हो चुकी है और साथ ही में टाइगर श्रॉफ के कैरियर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग ओवरसीज कलेक्शंस की, तो दोस्तों शुरुआती 6 दिनों में ये फिल्म ओवरसीज से 22 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही थी। वहीं आज ये फिल्म लगभग 2 करोड़ रुपए कमा रही है। इस तरह से इस फिल्म का 7 दिनों का ओवरसीज कलेक्शन लगभग 24 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर इस फिल्म का जो 7 दिनों का कलेक्शन है वो हो चुका है 108 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ की कमाई के साथ टाइगर श्रॉफ के कैरियर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। सो फाइनली दोस्तों सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक क्लीन हिट फिल्म साबित हो चुकी है और उन सभी क्रिटिक्स की बोलती बंद कर चुकी है जो कि इस फिल्म को भला बुरा कह रहे थे। सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की इंडियन ऑडियंस के बीच में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म कल या परसों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2020 की दूसरी 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी होगी। आपको यह फिल्म कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।